नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं टेक फाइंडर्स। तो यहाँ पे हमारे पास है बास का N21 TWS ईयरफोन और ये है नेक्स्ट जनरेशन, जिसका जो प्रीवियस वर्जन था यानी कि 1.0 था उसकी ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस अपग्रेडेड वर्जन की इस वीडियो में और देखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट इसमें किए हैं अगर आप कंपेयर करते हैं प्रीवियस वर्जन से। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं इनके कुछ फीचर्स की। तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0, हाई डेफिनेशन क्लियर वॉइस, CBC6 नॉइस कैंसिलेशन है, काफ़ी अच्छी बात है। IPX5 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस से है। ओके, तो बात करते हैं इनके वर्किंग टाइम की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 से 6 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम और चार्जिंग केस में है ऑलमोस्ट लाइक 450 mAh की बैटरी और ये चार्ज कर सकते हैं 3 से 4 बार आपके ईयरफोन्स को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मल्टीफंक्शनल बटन्स के फीचर्स दे रखे हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या है कंटेंट्स इस बॉक्स में। रिमूव करते हैं सील को और चलते हैं अंदर। मिलता है आपको एक हेलो पैम्पलेट या फिर लीफलेट जैसे कि बोल सकते हैं कार्ड। ओके, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहे पास के TWS N21 ईयरफोन, आते हैं सेम बटन फंक्शनलिटी के साथ। तो ये देते हैं आपको फ्यूचरिस्टिक लुक। अगर आपको एक्सेस करने हैं ईयरफोन्स तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस प्रेस करिए इस बटन को और ये फ्लैप अपने आप ओपन हो जाएगा। रखते हैं इनको साइड में अभी के लिए क्योंकि हम इनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या है कंटेंट्स बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, तो अपने कान के हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी माइक्रो एसबी बी केबल चार्जिंग के लिए, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं चार्जिंग केस। और एक यूजर मैनुअल गाइड, तो अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस यूजर मैनुअल गाइड को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में ये है थैंक यू और वारंटी कार्ड, तो ये आते हैं 1 साल की वारंटी के साथ। तो अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप अवेल कर सकते हैं कि 1 साल की वारंटी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वो 1 साल की वारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रखते हैं इनको साइड में और देखते हैं अपने ईयरफोन्स को। डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर, आई थिंक ये आइडेंटिकल है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना हद तक सिमिलर है। जैसे ही आप रिमूव करते हैं इनको चार्जिंग केस से वो ये फ्लैश हो रहे हैं और ये आपस में पेयर हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे एट द टाइम ऑफ इनको निकालने के बाद तो कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला और ये ऑटोमेटिकली अपने आप पेयर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी है और इन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है इस सेंस में। ओके, तो चलिए करते हैं इनको पेयर। पेयरिंग प्रोसेस के लिए आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा ब्लूटूथ अपने फ़ोन में और यहाँ पे आप सर्च करेंगे N21 और वो ये हो गए हैं पेयर और इनमें है 100% बैटरी लाइफ। चलिए टेस्ट करते हैं इनकी म्यूज़िक फंक्शनलिटी, प्ले करते हैं गाना और टेस्ट करते हैं इनकी बटन फंक्शनलिटी। वाह, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये ब्लूटूथ वर्जन और ब्लूटूथ आर नॉट एज गुड एज वायर्ड ईयरफोन, तो थोड़ा बहुत मिनिमम डिले डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बात करेंगे प्ले एंड पॉज की और दोनों बटन्स को आप यूज़ कर सकते हैं प्ले एंड पॉज के लिए मीडिया फंक्शनलिटी के लिए। जो बटन है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छी तरीके से क्लिक हो सकती हैं और इनमें मिलता है आपको एक फीडबैक, जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब आपने बटन प्रेस की है। ओके, अगर आप करते हैं डबल टैप तो ये जाएगा नेक्स्ट ट्रैक में और अगर आप करते हैं डबल टैप अपने लेफ्ट ईयरफोन में तो बूम ये जाएगा प्रीवियस ट्रैक में। तो ये फंक्शनलिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ वर्क कर रही है। अगर आप प्रेस एंड होल्ड रखते हैं 2 सेकंड के लिए तो आई थिंक आप अपने वॉइस को कॉल कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं मल्टी फंक्शन बटन को तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये फंक्शनलिटी भी दे रखी है। तो आप सारी मीडिया यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी वॉइस स्टैंड को कॉल भी कर सकते हैं।
आप इनको इवन कॉल को रिसीव या फिर रिजेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और तो ये फ़ोन्स पास होते हैं हमारे पैटर्न टेस्ट में। तो अब बात करते हैं डिटेल में इन पास के N21 TWS नेक्स्ट जनरेशन ईयरफोन की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी अगर हम बात करते हैं प्राइस पॉइंट में, इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली आपको इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बात करते हैं ईयरफोन्स की, तो ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे तरीके से आपके कान में फिट हो जाएंगे। जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली आप इनको लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनको 3 से 4 घंटे यूज़ भी करेंगे तो भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। म्यूज़िक फंक्शनलिटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आपको बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक TWS ईयरफोन में डीप बेस, तो वो ये रहे आपके सामने। साथ ही साथ वोकल्स और जो हाइस हैं वो भी काफ़ी क्लियर हैं। तो अगर आप जाते हैं 80% या उससे अबव वॉल्यूम पे, तो आप देखेंगे जो इनके हाइस और मिड्स हैं वो थोड़ा मफल हो जाएंगे और बेस थोड़ा ओवर पावर हो जाएगा। बट अगर आप यूज़ करते हैं इनको 50% वॉल्यूम में, तो डेफिनेटली आप देखेंगे जो इनका फ्रिक्वेंसी सेपरेशन वो काफ़ी अच्छा है। और मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही लाउड है। तो अगर आप इनको 50% पे भी यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा लाउड होने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इनको आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम थोड़ा लो रखिएगा, क्योंकि आपको एम्बिएंट साउंड का अंदाज़ा नहीं होगा और आप ट्रबल में भी आ सकते हैं। लाइक एक्सीडेंट भी हो सकता है, अगर आप रोड पर चल रहे हैं और पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा सा लो वॉल्यूम पर रखिएगा जब भी आप इनको आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो आराम से 6 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चार्जिंग केस में है एडिशनल 450 मिली एम्पियर का पावर बैंक, तो ये चार्ज कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बार आपके ईयरफोन को। तो आराम से आपको 24 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम इन ईयरफोन्स में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं चार्जिंग की, तो आप आसानी से इनको चार्ज कर सकते हैं और ये 1 से 1.5 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाएंगे। जो कनेक्टिविटी वो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, कोई भी आपको लॉस या फिर लैग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इनको यूज़ करते हैं आउटडोर में, तो डेफिनेटली आप 25 से 30 मीटर की रेंज में जा सकते हैं और आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बात करते हैं इंडोर्स की, तो आप आसानी से दूसरे या फिर तीसरे वॉल के पीछे जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपको कोई भी लैग या फिर डिले देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है इन ईयरफोन्स में। अगर इसके मीडिया कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो आप मल्टीफंक्शन बटन की मदद से कर सकते हैं प्ले एंड पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं वॉल्यूम। सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाएगी और आपको अपने फ़ोन को छूना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आप आंसर और रिजेक्ट कॉल भी कर सकते हैं ईयरफोन्स की मदद से। बात करते हैं माइक रिस्पॉन्स की, तो माइक रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। डेफिनेटली आप अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं वॉइस या वीडियो कॉल में इंडोर्स में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप इनको यूज़ करेंगे आउटडोर में, तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा ताकि आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकें आउटडोर में। इसके अलावा इनमें है IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हैं जिम में, जॉगिंग में या फिर वर्कआउट में। और जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एर्गोनॉमिक है। तो ये आते हैं सिक्योर फिट के साथ, तो बड़ी आसानी से आपके कान में फिट हो जाएंगे और ये जल्दी से गिरने वाले भी नहीं है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर सुझाव है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है। जिनका बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करिए टेक बाइंडर्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।